दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में नकली पनीर बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता है? आखिर फैक्ट्री में नकली पनीर बनाया कैसे जाता है? और क्या आप जानते हैं कि नकली पनीर को सफेद बनाने के लिए यूरिया खाद का इस्तेमाल किया जाता है? और यह नकली पनीर खाने से आपकी सेहत को काफी नुकसान होता है। दोस्तों, नकली पनीर को बनाने के लिए मिलावटखोर कई तरह के तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंथेटिक तरीके से पनीर को फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। नकली पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले उच्च क्वालिटी के दूध से क्रीम को निकाला जाता है, और दूध में से क्रीम को तब तक निकाला जाता है जब तक कि दूध में से सभी तरह के पौष्टिक तत्व खत्म न हो जाए और दूध बिल्कुल बेकार हो जाए। दूध से जब क्रीम निकल जाती है तब वो किसी भी लायक नहीं बचता। एक हिसाब से वह दूध बिल्कुल खराब हो चुका होता है और मिलावटखोर इसी दूध से पनीर को बनाते हैं। जब दूध को उसकी क्रीम से अलग कर दिया जाता है तब ये दूध सिंथेटिक दूध कहलाता है, जिसमें नकली पनीर बनाने के लिए आरारोट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आरारोट इसका इस्तेमाल जगह जगह पर बिकने वाले आलू की टिक्की बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सिंथेटिक दूध में आरारोट को इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये गाढ़ा हो सके, क्योंकि पनीर बनाने के लिए गाढ़ा दूध का इस्तेमाल किया जाता है। अगली प्रक्रिया में आरारोट और सिंथेटिक मेल के मिश्रण को छेने के पानी में मिला दिया जाता है, जो इस नकली दूध को फाड़ कर रख देता है। अब दूध को एक बड़ी सी कढ़ाई पर फॉर्मेलिन मिलाकर काफी देर तक उबाला जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये फॉर्मेलिन क्या होता है, तो आपको बता दें कि फॉर्मेलिन एक तरह का पदार्थ होता है जिससे ये नकली पनीर काफी लंबे समय तक फ्रेश दिखाई देता है। जब इन सभी चीजों को मिलाकर बनाया गया मिक्सर पूरी तरह से गाढ़ा हो जाता है तो इसमें से पानी को निकाल दिया जाता है और सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद नकली पनीर बनकर तैयार हो चुका होता है, जो देखने में बिल्कुल असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन ये पनीर बिल्कुल भी असली नहीं है। इस तरह की पनीर को खाकर एक तो लोगों को कोई प्रोटीन नहीं मिलता, उल्टा इस पनीर को खाकर लोगों को कई बीमारियां भी हो जाती है। दोस्तों, नकली पनीर को बनाने का एक तरीका ये नहीं है, बल्कि नकली पनीर को बनाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नकली पनीर का काला धंधा करने वाले लोग दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं। क्रीम से अलग हुआ दूध बिल्कुल पानी होता है, जिसे दूध से बनने वाले किसी भी चीज को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये मिलावटखोर लोग इसी पानी की तरह दिखने वाले दूध को पनीर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि क्रीम निकालने के बाद दूध बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, तो इस दूध को गाढ़ा बनाने के लिए इस दूध में सोडियम कार्बोनेट को मिलाते हैं, जो इस दूध को गाढ़ा कर देता है। लेकिन आपको बता दें कि भले ही दूध इससे गाढ़ा हो जाता है, लेकिन दूध में किसी भी तरह के पौष्टिक आहार नहीं बचते। अब इस दूध को एक बड़ी सी कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर उबाला जाता है, जिससे ये दूध और भी ज्यादा असली लग सके। इसके बाद इस दूध में बेकिंग पाउडर को डाला जाता है। ये सब मिलावट करने के बाद पनीर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे बड़े बड़े होटलों में भेज दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कहीं मिलावट खोर तो नकली पनीर को बनाने के लिए केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो इससे भी ज्यादा घातक पनीर होता है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ लोग नकली पनीर को बनाने के लिए पानी और रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें तरह तरह के केमिकल्स मिलाकर फेक पनीर को तैयार कर देते हैं। आपको बता दें कि जहां इस नकली पनीर को बनाने में सिर्फ 30 रुपए प्रति किलो का खर्च आता है, वहीं पर ये मिलावटखोर लोग मार्केट में इसी नकली पनीर को 300 से 400 रुपए प्रति किलो के दर से बेचते हैं, और लोग इस पनीर को असली समझकर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। आप भी कई बार नकली पनीर खा चुके हो, जो कभी कभी सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित होता है। ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर नकली पनीर को पहचाना कैसे जाता है और आप कैसे नकली पनीर को खरीदने से बच सकते हैं। नकली और असली पनीर में काफी अंतर होता है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। असली पनीर जो होता है वो काफी ज्यादा सफेद और खुशबूदार होता है, साथ ही साथ असली पनीर बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। असली पनीर में बिल्कुल दूध की तरह खुशबू आती है, लेकिन नकली पनीर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और ना ही उसमें असली पनीर की तरह मुलायम और खुशबूदार होता है। नकली पनीर उंगली से रगड़ने पर वह दाने दाने में टूट जाते हैं। ऐसे में अगली बार जब आप पनीर खरीदने के लिए जाएं, तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और असली पनीर को ही खरीदें। धन्यवाद।